नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द के बाद कोलकाता में चल रहा इलाज। हल्द्वानी के बनभुलपुरा छोड़ बाकी इलाकों के कर्फ्यू में ढील, 3 FIR में 16 नाम दर्ज। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट के लिए BCCI ने किया टीम का ऐलान, कोहली अय्यर सीरीज से बाहर, आकाशदीप को मिला मौका। NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर ED का एक्शन, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। NCB के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। तीसरे कार्यकाल में बुलेट के रफ्तार से होगा आर्थिक विकास, PM बोले 15 लाख लोगों के सुझाव पर तैयार हो रहा है खाका। राम मंदिर पर दोनों सदनों में हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव, BJP ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। ममता बनर्जी की पार्टी TMC लोकसभा और राज्यसभा में नहीं लेगी राम मंदिर पर चर्चा में भाग। संसद ने पारित किया पेपर लीक रोकने वाला विधेयक, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने किया समर्थन। राज्यसभा में विपक्ष छोड़ सरकार के खेमे में बैठे जयंत चौधरी, PM मोदी को सराहा। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, 2000 नए मतदाता, 5 साल में बढ़ी महिला युवा दिव्यांग वोटरों की संख्या। 2016 से 21 के बीच MP में एक एक परिवार को मिला 3-3 बार PM आवास योजना की लाभ, CGA की रिपोर्ट में खुलासा। 17 फरवरी को इसरो का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट होगा लॉन्च, आपदाओं से बचाने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान में त्रिशंकु संसद, हिंदू प्रत्याशी महेश मलानी जीते चुनाव। इमरान समर्थित उम्मीदवारों की 96 सीटों पर जीत, शरीफ को सभी दलों को एक साथ आने की अपील। हवाई द्वीप में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। हरियाणा में खत्म होगी पटवारियों की हड़ताल, सरकार ने मांगी मांग, 2 दौर की वार्ता के बाद समझौता। 7 करोड़ लोगों को मिला होली का तोहफा, EPFO ने बढ़ाया PF पर ब्याज दर। दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, भावुक हुए अनिल कपूर और अनुपम खेर। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, तमाम तरह की खबरों के लिए आप बने रहे द ग्राउंड न्यूज के साथ।